ग्लैंड हमारा यहाँ पर होता है नेक में, और थायराइड ग्लैंड में कमी हो जाती है, कभी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, तो आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आपका या तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है, या आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ रहा है, या आपको लगता है थकान बहुत हो गई है, बाल गिर रहे हैं, डिप्रेशन है, ड्राई स्किन है, और आपको लगता है कि नींद नहीं आती, पीरियड हैवी हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये सारे साइंस भी कम थायराइड होने के होते हैं, और इसके लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए। थायराइड एक ऐसी डिजीज़ है जो बिना दवाई के ठीक नहीं होती है, लाइफस्टाइल उसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन दवाई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल को जहाँ तक आप बात करेंगे, तो लाइफस्टाइल में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनको कमी होती है थायराइड की, वो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी बॉडी से लड़ रही होती है, और उसमें बहुत सारा काम एक्सटर्नल टॉक्सिन का होता है, जो खाने से, प्रिजर्वेटिव से, स्ट्रीट फूड, टॉक्सिक फ्राइड फूड, ओवर हीटिंग ऑफ शुगर, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पे। तो जब इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, या थायराइड कम हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको कहते हैं, जिसके लिए आप दवाई लेते हैं, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से कई खाने ऐसे हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए, जैसे कि आपको बताया जाएगा क्या, किस तरह का डेयरी आपको खाना है, किस तरह का प्रोटीन आपको खाना है, किस तरह के मील्स आपको खाने चाहिए, ताकि आपका थायराइड अच्छे से एक्टिव रहे, बिकॉज दवाई अलोन विल नॉट बी हेल्पिंग इन सिम्टम्स, दवाई विल बी हेल्पिंग टू कंट्रोल योर थायराइड ग्लैंड, बट सिम्टम्स ठीक करने के लिए आपको अच्छा खाना, अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, ढंग से एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए मैं यहाँ हूँ। आपको जो भी सवाल आपका है, आप बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजिए, आपको मैं जल्द से जल्द आंसर भेजूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर अंजलि हुडा सांगवान, MBBS, MD इन इंटरनल मेडिसिन, एंड आई हैव डन माय फेलोशिप इन ओबेसिटी एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट।